तू यहां क्या कर रही है? क्यों आई है तू इस कमरे में? मैं तो तुझसे बात भी नहीं करना चाहती। जब तक मैं यहां पर हूं ना, तू इस कमरे में मत। तू कहीं इसलिए तो नहीं आई कि इसके इसके इलाज में बहुत सारा खर्चा आ जाएगा, ये देखना चाहती है तू? अरे इसके इसके इलाज में तो तेरा कोई मुनाफा भी नहीं है, फिर तू क्यों खर्च करेगी? कोई जरूरत नहीं तुझे एक भी पैसा खर्च करने की। तू तू जा यहां से। अब आंटी जी, आंटी जी प्लीज, ये देखिए ना मैं क्या लेकर आया हूं। आंटी जी अगर आप बुलबुल को ये अपने हाथों से दोगे ना तो उसका मूड एकदम ठीक हो जाएगा और आई एम श्योर वो खुश भी फील करेंगे। तू खुद ही अपने हाथों से दे, अपने पति के हाथों से फूलेगी तो और भी ज्यादा खुश हो जाएगी। डॉक्टर बुलबुल को होश कब आएगा? होश तो इन्हें कभी भी आ सकता है, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस तो रहेंगी, इसलिए बात करना या स्ट्रेस लेना बिल्कुल नहीं। और आप सब लोग एक साथ यहाँ इकट्ठे मत रहिए, क्योंकि सबको एक साथ देखकर पेशेंट शॉक में जा सकता है। सरला जी, आप घर जाके थोड़ा आराम कर लो, तब तक मैं यहाँ रहूंगी। नहीं, बुलबुल को होश ही नहीं आया है, मैं चलेगी पीछे से होश आ गया तो? मैं नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी अपनी बच्ची के पास। दादी अभी बुलबुल ने अभी अभी हाथ हिलाया, उसने मेरे सामने हाथ हिलाया, मुझे लगता है उसको होश आने वाला। प्लीज प्लीज डॉक्टर को बुलाओ ना कोई। डॉक्टर, नर्स, चलिए कि डॉक्टर को बुलाइए प्लीज। बुलबुल तो ठीक तो है ना? बुलबुल आराम से प्लीज, उठने की कोशिश मत करो, तुम ऐसे ही रहो, गले में दर्द हो रहा होगा ना, प्लीज आराम से लेटो, डॉक्टर आ रहा है। डॉक्टर साहब देखिए ना, उसको होश आकर वो कुछ कहना चाहती है, क्या कहना चाहती है कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज देखिए ना। एक मिनट, आप स्ट्रेस मत लीजिए, आपको जो भी बोलना है आप पैड पे लिख के इनको बताइए। मुझे पता है तुम इतना टाइम क्यों लेती, तुम ये लिखने वाली हो ना कि तुम मुझे मिस कर रही थी। क्या क्या लिखा है इसमें? वो झूमर प्रज्ञा दी पर गिरने वाला था और उन्हें बचाने में ये एक्सीडेंट हो गया। रिसेप्शन में कोई था जो प्रकृति को मारना चाहता था? बुलबुल ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें कैसे पता और कौन था वो? तुमने उसका चेहरा देखा? बुलबुल नाम बताओ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बुलबुल लिख लो, बुलबुल
उसका चेहरा नहीं देखा पर उसे रस्सी जलाते हुए देखा। जो झूमर की रस्सी लगी हुई थी उसने वो जलाई और झूमर प्रज्ञा दी पे गिरा दी। क्या और कौन है इस परिवार का दुश्मन जो कभी किसी को मारने की कोशिश करता है तो कभी किसी और को? वो जो भी है ना, इस बार मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये दूसरी बार वो मेरे घर में घुसकर किसी को मारने की कोशिश कर रहा है। छोड़ूंगा तो मैं नहीं उसे भी। जो हाल उसने बुलबुल का किया है ना, उससे कहीं गंदा हाल कर दूंगा मैं उसका। उसे छोड़ूंगा नहीं। तू यहीं पर रह, तू कहीं मत जाना। मैं हूं ना, मैं उसे पकड़कर सीधे तेरे पास लेकर आऊंगा, क्योंकि उसे सजा देने का हक सिर्फ तेरा है। तुम चलो मेरे साथ। एक ही बात बोली जा रही है कि तुम समझती क्यों नहीं कि तो वही बात ना दीवार पे बॉल मारने जैसी बाउंस पे करके तुम्हें ही लगेगी। आई मीन तुम कुछ भी करने से पहले उसका रिजल्ट क्यों नहीं सोचती? जस्ट शट अप तनु, एटलीस्ट कुछ ढंग का नहीं बोल सकती तो लेक्चर तो मत दो। तुम्हें बस मौका चाहिए ना ये प्रूव करने का कि तुम्हें भी चीजें समझ में आती है और मैं तुम्हें ये मौका दे देती हूँ। यू नो व्हाट, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही इसलिए तुम इतना इरिटेट हो रही हो, लेकिन तुम्हें अभी की बात तो समझ में आ रही है ना कि अभी उस इंसान को खुद ढूंढेगा और ढूंढ के वो पूरब के हवाले करेगा ताकि पूरब जैसे चाहे उसे पनिश कर सकता है। और सोचो अगर तुम पकड़ी गई तो तुम्हारा पूरब तुम्हें ही पनिश करेगा। तुम कितनी बकवास करती हो और मुझे एक एक लाइन दोबारा बताने की जरूरत नहीं। मैं अंदर थी, मैंने सुना था। ओके, कुछ ढंग का नहीं बोल सकती तो एटलीस्ट चुप रहो, और अगर कुछ बोलना ही है ना तो सोल्यूशन दो, बकवास मत करो मेरे सामने। ओके, ऐसा करो, हाँ सबसे पहले तुम विजय को फोन करो और उससे कहो कि अभी के आसपास भी ना आए। बड़े लंबे टाइम में ये तुमने पहली अकल की बात की है। क्या हुआ? उसका फोन स्विच ऑफ है। माय गॉड, अब तुम्हारा क्या होगा लिया? तुम तो गई। आइए प्लीज प्लीज डू मी अ फेवर, अगर तुम पकड़ी जाती हो तो प्लीज प्लीज मेरा नाम मत लेना। चलो ये सारी प्लानिंग तुमने की ना, मैं तो इन्वॉल्व भी नहीं थी इसमें। तुम एक नंबर की सेल्फिश लड़की हो तनु। यू नो व्हाट, I actually don't even expect anything out of you. Negative तो मत बोलो, चुप रहो। मुझे सोचने दो कि क्या करना है। सबसे पहले तो हमें भाई पर नजर रखनी होगी। घर चलते हैं और देखते हैं कि वो भाई और प्रज्ञा क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं। लेकिन विजय, उसको मैसेज ड्रॉप कर देती हूँ कि मुझे कॉल बैक करे। Let's go. अगर तुझे पता था कि प्रज्ञा को कोई मारने वाला है तो बेटा बताया क्यों नहीं? क्यों सबसे छुपा के रखा? अकेली ही सब कुछ करती रही। अब देखना, तकलीफ भी तू अकेली ही सहन कर रही है। दादी, इसने हम सबको पार्टी एंजॉय करते हुए देखा और इसने सोचा अगर ये हम सबको ये सब कुछ बताएगी तो हम परेशान हो जाएंगे। इसको इस सब के बारे में पता लगा और इसने उस आदमी का पीछा भी किया और प्रज्ञा दी को अकेले बचा लिया। वही तो मैं कह रही हूँ, खुशी में हम लोग साथ में हैं तो तकलीफ में क्यों नहीं? छोड़िए ना दादी, जो होना था वो तो हो ही गया। अब हम वापस पीछे मुड़ के तो देख नहीं सकते। दादी, अभी हमें ये सोचना चाहिए कि हमें आगे क्या करना है, कैसे उस आदमी को पकड़े जिसकी वजह से मेरी बुलबुल की ऐसी हालत है। आइए डॉक्टर साहब। थोड़ा वीकनेस तो है, इसलिए अभी बिल्कुल स्ट्रेस नहीं और बात करने की बिल्कुल कोशिश मत करना। मैं नींद का इंजेक्शन देता हूँ उनको, ये जितना सोएंगी उतना जल्दी रिकवर करेंगी। सॉरी बुलबुल, लेकिन इसमें ना मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। कहाँ जा रहे? मालूम नहीं। मालूम नहीं मतलब? हम क्यों जा रहे ये तुम अच्छी तरह जानती हो, लेकिन हम कहाँ जा रहे ये हम बाद में डिसाइड करेंगे। देखो, हमारे बीच में जो डिफरेंसेस है ना, मुझे लगता है कुछ देर के लिए उसे साइड में रख के हमें एक साथ इस मैटर पे काम करना चाहिए। तब जाकर हम उस इंसान को पकड़ पाएंगे जिसकी वजह से बुलबुल की हालत हुई।
मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ। हमेशा नहीं, मैंने इस मैटर पे कहा था। कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा है कि मैं उसे इसलिए पकड़ना चाहता हूँ क्योंकि उसने तुम्हें मारने की कोशिश की? मैं उसे इसलिए ढूंढ रहा हूँ क्योंकि वो मेरे घर में आकर उसने किसी को मारने की कोशिश की। और तुम जानती हो मेरे लिए घर की सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसे सर क्या हिला रही हो? फिर क्या करूं? तुम्हें गलतफहमी तो नहीं है ना कि हम इस मिशन पे एक साथ काम कर रहे हैं तो तुम मेरी पार्टनर बन गई हो? देखो, तुम इस मिशन पर मेरे साथ इसलिए हो क्योंकि तुम शातिर इंसान हो और शातिर लोग कैसे सोचते ये तुम अच्छी तरह जानती हो। मैं आपको शातिर इंसान लगती? मैंने शातिर इंसान कहा, बोला नहीं जो तुम इतना इनोसेंट फेस बना रही हो। शातिर हो, शातिर रहो। अब ये बताओ कि हमें क्या करना चाहिए? मुझे लगता है जहां से ये सब शुरू हुआ था हमें वहीं से शुरुआत करनी चाहिए। मतलब? मतलब उस पार्टी में जितने लोग आए थे हमें उन सब से बात करनी चाहिए। शायद उनमें से किसी को कुछ अजीब या अलग दिखा हो, किसी ने कुछ नोटिस किया हो। कि उस पार्टी में कोई भी बिन बुलाए तो आ नहीं सकता, इसलिए उनमें से ही कोई था जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें लगता है हमें ऐसा करना चाहिए? मैं सिर्फ सजेस्ट कर रही, अगर आपको सही लगे तो हम इस रास्ते पर चल सकते। आपने बुलाया मुझे? थैंक यू। हाँ रॉनी, तुमसे एक बहुत जरूरी काम। उस दिन रिसेप्शन में जितने लोग आए थे सबकी लिस्ट चाहिए और सारी डिटेल्स के साथ, मतलब गेस्ट, डेकोरेटर, केटर, ऑर्केस्ट्रा वाले, हर किसी को देखना। और सबको एक बार फोन करके पूछो कि किसी ने कोई अजीब चीज या अलग बात नोटिस किया नहीं। ठीक है दी, मैं वो सारी डिटेल्स लेकर के आपको बताता हूँ। ओके थैंक्स। तो तुमने बात नहीं की पार्टी में आए लोगों से? बात की लेकिन मुझे कोई क्लू नहीं मिल रहा। आपको कुछ मिला? मुझे भी नहीं मिला। देखिए, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जिस इंसान को हम ढूंढ रहे हैं उसका नाम ही हमारे लिस्ट में ना हो। मेरा मतलब वो जहाँ है उस तरफ हमारी नजर ही नहीं जा रही। मतलब? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो इसी फैमिली का कोई मेंबर हो। तुम फिर से मेरी फैमिली पर शक कर रही हो? दोबारा उनके बारे में ऐसा सोचा तो मैं? आप ठंडे दिमाग से सोचिए, वो डेकोरेटर, उसमें इतनी तो हिम्मत नहीं कि वो दोबारा इस घर में अकेला ही आ जाए। ऑलरेडी वो इस घर में आकर इतना बड़ा काम करके जा चुका है, ऊपर से उसने आप पर इल्जाम लगाया था। वो इतनी आसानी से इस घर में दोबारा नहीं हो सकता। ये काम उसके अकेले का तो हो नहीं सकता। जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि आपके लिए ये सब सोचना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी देखिए, आपने कहा पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना है, मैं मान गई। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम ही ठीक से इन्वेस्टिगेशन ना करें, या फिर आप इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि वो दोबारा आए और इस बार मुझे मार ही डाले, उसके बाद हीरो बनकर सामने आए और कहे कि भाई मैंने किया सब कुछ। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? ये पूछताछ मैं अपने तरीके से करूँ। ठीक है, लेकिन जो भी करना है आप जल्दी कीजिए, हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं। हो सकता है जो उसकी मदद कर रहा है? आलिया अचानक से समझदार हो गई, इसके पीछे सिर्फ दो ही कारण हो सकते हैं। या तो वो वाकई बदल चुकी है, जो कि हो नहीं सकता, या फिर मुझे मारने वाला कोई और नहीं, खुद आलिया ही है। चाहे कुछ भी करना पड़े, इस बार मुझे पता लगाना ही होगा। मैं आप सबसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अगर किसी को भी उस इंसान के बारे में कुछ भी पता हो जिसने प्रज्ञा को मारने की कोशिश की तो प्लीज बता दीजिएगा। मेरा मतलब है कि इस मुगैम्बो से हम सब बहुत नाराज है। अरे नाराज क्या है, इनफैक्ट गुस्सा है। इसने हम सब लोगों के साथ बहुत बुरा किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम भी उसके साथ ऐसा ही करें। इसने अगर अपनी शराफत छोड़ दी है तो हम अपनी संस्कार थोड़ी ना छोड़ेंगे। हमारे सामने अगर कोई दुश्मन को मारने की कोशिश की तो हम चुपचाप तमाशा नहीं देखेंगे।
और उस इंसान को नहीं छोड़ेंगे जिसने प्रज्ञा को मारने की कोशिश की। इसलिए अगर आप लोगों में से किसी ने यह काम किया है या फिर उस इंसान के बारे में किसी को कुछ भी पता है जिसने प्रज्ञा को मारने की कोशिश की, तो अभी बता दीजिए, मैं उसकी सजा कम कर दूंगा। लेकिन अगर अगर मैंने उस इंसान के बारे में खुद पता लगाया ना, तो फिर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। दी, दी मैंने पता लगा लिया है कि उस दिन पार्टी में बगैर बुलाए कौन आया था। कौन था वो? मैं उस कैटरर से मिला जिसे हमने पार्टी के लिए हायर किया था ना, तो उसने बताया कि उस दिन पार्टी वाली रात को उसे किसी ने बेरहमी से मारा और उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। तब मुझे याद आया कि उस दिन पार्टी में एक और आदमी भी आया था जो बोल रहा था कि वो कैटरर है, लेकिन वो सरदार था। तब मैंने उसे बगैर पगड़ी और दाढ़ी की याद करने की कोशिश की, तो मुझे याद आया कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वो डेकोरेटर था जिसने प्रज्ञा दी को मारने की कोशिश की थी। उस डेकोरेटर को तो मैं अब छोड़ूंगा नहीं। मैंने पहले कहा था कि मुझे इंट्यूशन आ रहा है। मैंने कहा भी था कि आजकल मेरे बुरे सपने सच हो रहे हैं। कहीं ये सपना भी सच हो गया तो, कहीं विजय ने हम तीनों का नाम बता दिया तो क्या होगा? मैं अभी से शादी किसे करूंगी? वो मुझसे शादी करना तो दूर, मुझसे रिश्ता भी नहीं रखेगा, मुझे इस घर से बाहर निकाल देगा। तुम फिर से सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रही। अपने बारे में नहीं सोच रही आलिया, मेरी अभी से शादी होगी और शादी होने के बाद हम तीनों का ही फायदा होगा ना। और गुस्सा तो मुझे इस विजय पर आ रहा है। क्या जरूरत थी उसे जाकर केटरर को पीटने की? सारा सबूत पीछे छोड़ दिया ना उसने, पागल कहीं का। ओहो, अब उसे एटलीस्ट फोन करके तो बता दो कि अभी उसे ढूंढ रहा है और उसे नहीं छोड़ेगा। आलिया, वो किसी ने आपको सिखाया नहीं कि दरवाजा नॉक करके अंदर आते? दरवाजा खुला हुआ था इसलिए मैं चली आई। और बाय द वे, भाभी हूँ मैं तुम्हारी, कोई आउटसाइडर नहीं हो जिस तरह बात कर रही हो तुम। और तुम्हें इतनी प्राइवेट बात करनी है ना, घर में तो दरवाजा बंद करके रखा करो ना। भाभी ये बताइए कि आप यहाँ पे आई क्यों है? अपने पति को ढूंढने के लिए। राज कहाँ पर है? पति आपका है तो पता आपको होना चाहिए ना कि किधर है किधर नहीं। हमें क्या पूछने आई हैं आप? नजदरी तो रख रही हूँ लेकिन पता नहीं हम दोनों की शादी को किसकी नजर लग गई है। आजकल वो मेरे साथ कम, तुम दोनों के साथ ज्यादा दिखाई देते हैं। पता नहीं तीनों की क्या खुसुर पुसुर चलती रहती है। अगर तुम दोनों की वजह से वो किसी प्रॉब्लम में आए ना, तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। हम उन्हें क्यों प्रॉब्लम में डालेंगे? आलिया तुम खुद एक प्रॉब्लम हो। माइंड योर लैंग्वेज मिताली भाभी, मुझे वैसे ही बहुत गुस्सा आ रहा है। ऊपर से मेरा गुस्सा कहीं आपके ऊपर उतर गया ना, तो बाद में मत बोलिएगा। गुस्से में हो कहीं इस वजह से तो नहीं, वो जो नीचे जो कुछ हुआ, कहीं तुम दोनों का उस बात से कोई लेना देना तो नहीं है? भाभी कैसी बातें कर रही हैं आप? आलिया अपनी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से गुस्से में। एक मिनट, आपको राज भैया से ही बात करनी है ना? मैं बात करवाती हूँ। हाँ राज भैया, वो मिताली भाभी आपको मिस कर रही थी, एक मिनट बात कीजिए। हेलो, कितनी बार फोन किया मैंने, मेरा फोन तो उठाया नहीं। और ये तनु का तुमने फोन एक बार में उठा लिया। देखो मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, सुनो तो। अरे भाभी मेरा फोन तो देख के जाइए। बुलबुल बेचारी होश आने के बाद बोल तो पाई नहीं। कागज पर लिखकर उसने बताया कि प्रज्ञा को कोई मारने की प्लानिंग कर रहा है। ये समझ में नहीं आता है दीदी कि कौन बार बार प्रज्ञा पे हमला कर रहा है। माना दीदी उसने कि हमारे घर के साथ उसने बहुत बुरा किया, हम लोगों के साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन फिर भी दीदी इस घर में कोई भी ऐसा नहीं है जो अपनों को मारने की कोशिश करे। ये तो हम कह नहीं सकते कि ऐसी प्लानिंग करने वाला कोई घर वाला है या कोई बाहर वाला, पर अभी इस वक्त इतने गुस्से में है, उसको किसी पर शक भी हो गया ना तो भी छोड़ेगा नहीं उसे। पर मुझे तो बेचारी बुलबुल की फिक्र हो रही है, अभी तक वो बोल ही नहीं पा रही और पूरा बेचारा उसको देख देख कर अंदर ही अंदर टूट रहा है, पर बाहर से बिल्कुल नॉर्मल शो कर रहा है। हाँ दीदी, बुलबुल के साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, और पता है उसने जो कुछ किया अपनी बहन प्रज्ञा को बचाने के लिए किया। और दीदी प्रज्ञा उस पे तो इस बात का कोई असर ही नहीं हुआ। मैंने एक बार भी ना उसे अपनी बहन बुलबुल के लिए रोते हुए नहीं देखा। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा उसकी इतनी हिम्मत, इस घर में आकर वो आप पर इल्जाम लगा कर गया, उसके बाद वो दोबारा वही काम करने इस घर में आए। हो ना हो इस बात का एक ही मतलब हो सकता है। क्या? यही कि वो और उसे हायर करने वाला बहुत चालाक है सर। हायर करने वाला मतलब क्या है तुम्हारा? तुम फिर से मेरी फैमिली पर शक कर रही हो? हाँ कर रही हूँ। तो
क्योंकि मेरी और उस डेकोरेटर की कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है कि वो बार बार मुझे मारने का प्लान बनाएगा। ऑब्वियसली किसी ने उसे हायर किया और इस घर के अलावा कोई और इंसान नहीं हो सकता जो मुझे मारने की कोशिश करे। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बाहर भी तुमने किसी के पैसे मार रखे हो और उसी ने तुम्हें मरवाने के लिए सुपारी दे रखी है। जी नहीं, इस घर के लोगों के अलावा मुझे कभी किसी ने परेशान नहीं किया, ये मैंने भी किसी और का कोई बुरा नहीं किया, इसलिए ऑब्वियस है इस घर के लोग ही मुझे अपना दुश्मन मानते हैं। इसीलिए इसी घर का कोई इंसान है जो मुझे मारने का प्लान बना रहा है। अब इस पहेली को सिर्फ वो डेकोरेटर ही सुलझा सकता है। लेकिन हम उसका पता कैसे लगाएं? हमारे पास कोई सोर्स ही नहीं है, ना फोन नंबर है, ना कोई एड्रेस है जहाँ जाकर उसे ढूंढ सके। अरे तुम्हें शातिर का टैग ऐसे ही थोड़ी दिया, अपना शातिर दिमाग चलाओ, अपने अंदर के शैतान को जगाओ, वही तुम्हारी हेल्प कर सकता है। मैं शातिर हूँ, लेकिन आप तो बोले ना, और बोले इंसान के अंदर तो भगवान समाये हुए होते, आप क्यों नहीं अपने अंदर के भगवान को जगाते और उन्हीं से पूछ लेते हैं कि ये सब कैसे करना है। मैं भगवान को नहीं मानता और मैं शैतान को नहीं मानती। ऐसा करते हम दोनों ना पार्टी बदल लेते, हो सकता है भगवान और शैतान अपने नए भक्तों को देखकर हमारा काम जल्दी करवा दे। मैं क्यों मानूं शैतान? तो मैं क्यों मानूं शैतान को? तुम्हारी हरकतें शैतान वाली है। मेरी तो हरकतें मिलती है, आपकी तो शक्ल मिलती है। ए, ए, एक मिनट, एक मिनट। क्या हुआ? चलो मेरे साथ। कहाँ? एक तरीका है जिससे हम उस डेकोरेटर तक पहुंच सकते हैं।